आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। क्लास ट्वेल्थ के कुछ विद्यार्थियों के कहने पर विशेष रूप से मिस्टर मास्टर कह दें शिवांग तिवारी, मैंने आपके समक्ष ट्वेल्थ की पुस्तक के 3 पाठ पूरे कर दिए। आज मैंने चौथा पाठ लिया है, एक दिन में वीडियो बन जाएगा, केवल 10 मिनट का है, बीच में न छोड़िएगा। एक और निवेदन, निबंध कैसे लिखा जाता है मेरे पास कई लोगों ने पूछा था मुझसे, मेरा निबंध पर वीडियो है, सर्च कर लीजिए। निबंध और पत्र लेखन ट्वेल्थ के विद्यार्थियों को आवश्यक भी है, इसलिए आप अवश्य देखें। आइए, आज की कविता है उषा, और जिसके रचनाकार कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। अपने स्वभाव के अनुसार पहले मैं बात करूंगा उषा। उषा क्या है? कुछ लोग बोलने में उषा कह देते हैं, ठीक है, उषा निशा, जैसे हमारे यहां हम लोग ये कहते हैं 3 ऋतुएं होती हैं, जाड़ा गर्मी और बरसात, किंतु वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता ये कि ऋतुएं 6 होती हैं, साल में 12 महीने, और 12 महीने के 6 ऋतुएं, दो दो माह की 6 ऋतुएं होती हैं। खैर, वो यहां पर प्रसंग नहीं है, यहां पर प्रसंग हमारा ये है। ठीक उसी प्रकार दिन में 24 घंटे होते हैं, और उन 24 घंटों में हम तो यही कहते हैं सुबह दोपहर शाम रात 4 गिनते, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। हमारे यहां 8 प्रहर माने गए, 8 साथियों, जब 8 प्रहर हैं, घंटे 24 हैं, तो एक प्रहर कितनी देर का हो गया? 3 घंटों। अगर आपने कभी पढ़ा हो नरोत्तम दास जी की वो कविता, वो छंद, जिसमें सुदामा जी अपनी पत्नी को डांटते हुए कहते हैं, छाड़ी सबै झक तो ही लगी, बक आठौ जाम यह झक तानी। अब देखिए आप, यहां आठौ जाम आया था, मैंने बताया था ब्रजभाषा में ज्या से या हो जाता, हम उसे खड़ी बोली में या कर देंगे। आठौ याम, याम कहते हैं प्रहर को, 8 प्रहर होते हैं, और वो 8 प्रहर जैसे उषा प्रातः मध्यान्ह पूर्वान्न अपरान्ह संध्या निशा, कहने का आशय ये हमारी टाइम है। उषा काल जो है बड़ा पवित्र काल माना गया। अब वो हम कहें उषा क्या है, कहें सवेरे, सवेरे और उषा में अंतर है, भोर और उषा में अंतर है, प्रातः काल और उषा में अंतर है। उषा सूर्य की लालिमा का प्रतीक है, सूर्य में लालिमा आती है चारों तरफ, और सूर्य का उगते हुए सूर्य का रंग वो रंग होता है जो, ये मानकर चलिए, जो खान से निकला हुआ स्वर्ण का रंग होता है, बड़ा पवित्र रंग होता है, बड़ा सुंदर रंग होता है। कभी उगते हुए सूर्य के दर्शन कीजिए, हालांकि उगता हुआ सूर्य और डूबता हुआ सूर्य दोनों की ही समानता होती है। उषा काल वो काल है, इसके पहले रात थी, रात में अंधकार था, कालिमा थी, और जब हम कालिमा में लालिमा आती है तो धीरे धीरे कालापन नष्ट होने लगता है और धीरे धीरे नीला हो जाता है। अब देखें आप, कविता को शुरू करता हूं। प्रात नभ था बहुत नीला, बिल्कुल पहली बात भाषा में खड़ी बोली, ध्यान रखिए खड़ी बोली, पहला बोल, प्रात शुरुआत हुई है, नभ जैसे शब्द हैं आगे भरे पड़े हैं, तत्सम शब्दों की बहुलता, यह संस्कृत निष्ठ भाषा भी कह सकते हैं। तो खड़ी बोली नंबर 1, आगे बढ़ते कविता को लेकर। प्रात नभ था बहुत नीला, इतनी सरल कविता नहीं मिलेगी, और इस छोटी सी कविता में अलंकारों की एक लड़ी आ गई है, वर्णनों की एक लड़ी आ गई है, बिंब की एक लड़ी आ गई है, एक सुंदर सी। देखें आप, प्रात नभ था बहुत नीला, कहता प्रातः काल नभ माने आकाश बहुत नीला था, इतना कहकर रुका नहीं, कैसा नीला था, बोले शंख जैसे, शंख के समान। आप कहेंगे शंख, आपने जो अपने घर में शंख देखा होगा, पूजा में पंडित जी बजा दिया करते हैं, बहुत लोग घर पर होता है वो भी नित्य की पूजा में बजाते हैं, वो जो शंख है वो तो उसमें तमाम चीजों सफाई होकर के केमिकल आदि से आपके सामने वो सफेद गुलाबी या नाना पक्के, तो जब समुद्र से शंख निकलता है तो ध्यान रखिएगा वो नीले रंग का होता है, स्वाभाविक है, समुद्र का रंग ही वैसा है। प्रात नभ था बहुत नीला, शंख जैसे, प्रातः काल का नभ बहुत ही नीला,
ऐसा लग रहा था जैसे शंख हो और अलंकार हो जाता है उपमा। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, एक उपमेय उपमान हो गया। साथियों, इस कविता में एक प्रश्न भी आता है, वो कौन से उपमान हैं जिनके आधार पर हम सिद्ध करते हैं कि कविता गांव के सवेरे का, प्रातः काल का, भोर का वर्णन है। ये उपमान क्या होते हैं जिसने हमारा उपमा अलंकार पढ़ा होगा, उपरूपक अलंकार पढ़ा होगा या उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ा होगा उसे पता होगा। मैं हल्का सा आपको बता देता हूं उपमेय और उपमान क्या होते हैं। अक्सर कविता में आता है उपमेय और उपमान, ध्यान रखिएगा, जिससे जिसकी हम तुलना कर रहे हैं, जिसकी हम समानता कर रहे हैं वो उपमेय है और जिससे समानता कर रहे हैं वो उपमान है। सीधी सी बात याद कर लीजिए, हमने कहा राणा प्रताप शेर के समान बहादुर थे, यहां हमने राणा प्रताप की तुलना की है, उनकी उपमा की है। राणा प्रताप उपमेय हो जाते हैं और शेर उपमान हो जाता है। यही पंक्ति में देख ले, प्रात नभ था बहुत नीला, अब प्रातः काल का नभ ये उपमेय हो गया और नीला शंख जैसे, शंख क्या हो गया, उपमान हो गया। तो उपमेय और उपमान समझ में आ गया होगा, जिसकी समानता वो उपमेय और जिससे समानता वो उपमान, एक भाव। दूसरा भाव देखें, भोर का नभ, ये तो नीला था सुबह 4 बजे, कैसा लग रहा था भोर का नभ, राख से लीपा हुआ चौका, क्या बात। दूसरा उपमान, भोर, अब भोर हो गई, हल्की कालिमा और नीलिमा से आगे बढ़ता है भोर का नव, भोर हो गया, सवेरा हो गया, तो राख ऐसा लगा, आकाश कैसा हो गया, भोर का नव, प्रातः काल का नव कैसा लगा, राख से लीपा हुआ चौका। बड़ी सुंदर बात कही उसने, राख से लीपा हुआ चौका। अरे शहर के रहने वाले आपको नहीं पता चौका कैसा लीपा जाता है, ये लीपना शब्द आया है। आजकल तो पोछा लगता है टाइल्स के घर में, पत्थर के घर में, सीमेंट के घर में, चौका तो गांव में हुआ करता था, कच्ची मिट्टी के घर होते थे और वो महिला घर की लीपती थी गाय के गोबर से, गेरू डाल करके मिट्टी से, या तमाम प्रकार के इस प्रकार के, और जब वो चौका लीपा जाता था इतना सुंदर दिखाई देता था, इतना सुंदर दिखाई देता था। उसने बताया है भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका, राख, राखी, राखी का मतलब राख जानते, लकड़ी जल जाने के बाद जो राख बचती थी वो राख से ही, बहुत पहले लकड़ी जला करती थी और उसकी निकली हुई राखी या राख, वही राख का रंग जानते कैसा होता है, हल्का नीला लिया हुआ। कभी देखिए ना लकड़ी जला करके, लकड़ी का कोयला काला होगा किंतु लकड़ी के कोयले की जली हुई जब राख निकलेगी उसमें हल्का नीलिमा होगी, जैसे आसमान का रंग, जैसा नील गगन, जैसा नीलांबर। वो कहते हैं राख से लीप, ऐसा लगता है उस चौके को राख से लीप दिया गया है। राख भी पवित्रता का प्रतीक है, चौका भी पवित्रता का प्रतीक है, लीपना भी हमारे यहाँ पवित्रता का प्रतीक है, क्योंकि जब कहीं पूजा पाठ होता है शुद्धता की बात आती है वो हिस्सा पोंछ दिया जाता है। आज के युग में किसी समय लीपा जाता था गाय के गोबर में, मैंने बताया गेरू डालकर राखी राख से, और वो आराम से, तो राख से लीपा हुआ चौका। लेकिन अगली पंक्ति उसने ब्रैकेट में कर दी है, ब्रैकेट का मतलब होता है इसका भाव समझाना चाहता है, कहता है अभी गीला पड़ा है, कितनी सुंदर भाव है, अभी गीला पड़ा है। जब अरे सामान्य आप देख लें, जब आपके घरों में पोछा लगता है, काम वाली लगाए, माँ लगाए, भाभी लगाए या घर के कोई सदस्य लगाए, घरों में पंखा चला दिया जाता है, अरे भाई अभी मत जाना, पैर के निशान बन जाएंगे, क्योंकि जो सुंदरता है नष्ट हो जाएगी राख, और उसमें क्या होता है राख से लीपा हुआ चौका, उसमें नमी होती है जब तक वो सूख नहीं जाता। उसने कहा राख से ऐसा प्रतीत हो रहा है भोर का नभ, प्रातः काल का आकाश, जैसे राख से चौका लीप दिया गया। राख से लीपना क्यों, हल्की नीलिमा लिए हुए और अभी गीला पड़ा है, क्यों, क्योंकि नमी है, चौके में नमी होती है और वातावरण में नमी है। अरे भाई सुबह 5:30 बजे टहलने निकलिए, धूप की बात नहीं, कितना सुंदर वातावरण होता है, पवित्रता का भाव इसलिए, प्रदूषण से मुक्त है, शीतल मंद हवा चल रही है, नमी नमी ओस की बूंदे भी आपको यथातथ दिखाई देती है, ऐसा प्रतीत होता है अभी तक वो जो चौका है हमारा, जहाँ किचन है, जहाँ खाना बनता है, वहाँ लीप दिया गया है राख से, अभी भी गीला। बड़ा सुंदर भाव है चौके का। आगे देखते हैं एक भाव, तो ये उपमा अलंकार, राख से लीपा हुआ चौका यहां पर भी, और प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, दोनों में ही उपमा अलंकार है। अनुप्रास तो मैंने बताया आपको,
अगली अगले चरण में बढ़ते हैं। बहुत काली एक और भाव देखिए, छोटी सी कविता, बहुत एक और भाव बताएं आपको, कितने छोटे छोटे और सहज भाषा के शब्द हैं, न पढ़ने में दिक्कत न समझने में दिक्कत। देखिए आप इसको अगर पूरा पैराग्राफ आप पढ़ लें तो खाली इसमें एक शब्द ऐसा आ गया है जिसको अगर हम छोड़ दें, प्रार्थना बहुत बहुत शब्द को अगर हम छोड़ दें तो बाकी कोई तीन अक्षर का शब्द है ही नहीं, सब दो दो अंक चाहिए। प्रार्थना था बहुत नीला संग, छोटे छोटे शब्दों से मधुरता आ गई है, मोती के समान शब्द जड़े हुए हैं, बढ़िया सुंदर सी कवि ने एक माला बना दी है, प्रातः काल का मनोरम वर्णन किया है, पवित्र भावनाएं हैं और सुंदर सा रूप है, शंख जैसा धार्मिक भाव उसके मन में आता है, पवित्रता चौके को लेकर आती है। आगे कहता है अगर ये नहीं है तो एक वर्णन और देखते हैं। अरे बहुत काली सिल, सिल बहुत लोग नहीं जानते होंगे, आप चट्टान मान लो, पत्थर मान लो सिल का, मगर एक टाइम घरों में सिल हुआ करती थी पत्थर की, जिसमें मसाला पीसा जाता था और मसाला जिसे पीसते थे बट्टा कहते थे, सिल बट्टा शब्द हो जाया करता था। तो देखें आप बहुत काली सिल, उसने कहा या फिर आसमान कैसा है, फिर आकाश कैसा है, बहुत काली। बहुत काली क्यों कहा, अरे रात में 3 बजे उठकर देखते एक को दूसरे का चेहरा दिखाई नहीं पड़ रहा था, क्योंकि कालिमा ही कालिमा थी, अंधेरा ही अंधेरा था। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, लीजिए कि जैसे, मानो अलंकार कौन सा हो जाएगा, उत्प्रेक्षा, दूसरे बारे में उत्प्रेक्षा अलंकार। बहुत काली सिल, पूरा वातावरण काला, आसमान काला, और काले सिल में अब सूर्य की लालिमा ने निकलना शुरू किया, सूर्य की किरणें आ गईं, सूर्य की लालिमा, अनुराग की लालिमा तो दिखाई दी, तो स्वाभाविक है काले में जब लाल पड़ेगा तो कालिमा कम होगी और कैसा लगेगा, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से, ये जरा सा लाल केसर क्या है, सूर्य की निकलती हुई किरणें, सूर्य की लालिमा, सूर्य निकल रहा है लाल लाल केसर। केसर फूलों का निकला हुआ पदार्थ होता है, मेवा में भी काम आता है, मसाले में भी काम आता है, खीर आदि में डालने के लिए मिलता है, और यही नहीं, केसर तिलक लगाया सुन मेरी देवी, पर्वतवासी ने तेरा पार न पाया। माँ दुर्गा को जो हम तिलक करते हैं केसर का, लक्ष्मी को तिलक करते हैं केसर का, उसका रंग भी हल्का लाल लाल होता है। तो कहते हैं बहुत काली सिल, ऐसा लगा कि एक काली सिल थी, काला पत्थर था और पत्थर के ऊपर लाल लाल रंग लेकर के रगड़ दिया गया हो, अब काला है, जब लाल ऊपर लगेगा बहुत लाल तो नहीं दिखेगा, अगर पत्थर सफेद होता तो लाल हो जाता, लेकिन काला था तो धुंधलका सा जैसा आ गया, ये धुंधलका जैसा वर्णन ही यहाँ पर कवि करता है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, हल्के लाल केसर से धोती गई, कालिमा समाप्त तो हो गई, लालिमा तो नहीं आई है पूरी तरह हर वातावरण में, मगर हल्का हल्का लालिमा सी प्रतीत हो रही है। उसने कहा ये शायद बहुत समझ न पाए, एक कहा नए शहरों के लिए देख लेते हैं, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी, बहुत सुंदर वर्णन, एक उपमान और देता है आपको, स्लेट पर, अब तो बिल्कुल जो नई पीढ़ी आज की आई है वो स्लेट भी नहीं जानती, 5 साल का बच्चा, हाँ पहले जो आप लोगों ने देखा होगा पढ़ा होगा, उसने सिल कहा पार्टी होती थी, फिर स्लेट आई, स्लेट से हम लिखा करते थे, है ना, स्लेट पर या लाल, स्लेट भी काली हुआ करती थी पत्थर की पहले, जैसे आज भी हमें मेरे सामने ये बोर्ड है, कई बार तमाम सारे बच्चे कहते हैं ब्लैक बोर्ड, ये नाम पड़ गया ब्लैक बोर्ड, अब ब्लैक बोर्ड नहीं है, ब्लैक माने काला, श्यामपट कहलाता था, आज तो ये हरा है, आप स्वयं देख रहे हैं सामने, तो जब ब्लैक बोर्ड हुआ करता था उसी को स्लेट मान लेते, बहुत काली सिल, अब देखें हो गया स्लेट पर, जब स्लेट पर बच्चा लिखता है तो उसने कहा लाल खड़िया चाक, खड़िया कहा, ध्यान रखिएगा अब खड़िया भी नहीं मिलती, बाजारों में आती है, कौन पढ़ता है उन पत्थरों में खड़िया से लिखा जाता, अब तो चौक आ गई तो उसने चौक का वर्णन कर दिया, है ना, और अगर लाल चौक होती समृद्धि जरा चौक ढोबेटा एक लाल निकालो अंदर से, बहुत काली सिल, वो कहता यहां पर स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, लाल खड़िया चाक कह रहा है क्योंकि सूर्य की हल्की लालिमा है, वो दिखाना चाहता है कि जब उसके ऊपर लाल बनेगा तब कैसा हो, ये देखे लाल चौक आ गई, आज उतनी लाल ही नहीं है, तो अगर हमने इस पर जब लाल किया तो इसका रंग दूसरा हो गया, ठीक उसी प्रकार जब काले, जब हम काले काले पत्थर पर या काली काली स्लेट पर हल्का सा लालिमा लगा देते हैं तो उसका रंग जैसा हो जाता है, इस समय काले के ऊपर सूर्य की पड़ती हुई किरणें उसी लालिमा का बोध करा रही हैं, कहता है स्लेट पर या लाल खड़िया चाक, देखें स्लेट
खड़िया चौक, ये सब शब्द जो है विदेशी भाषा के आ गए। कविता में आप लिख सकते हैं बड़ी आसानी से, और ये शब्द वो शब्द हैं जो सहजता है, सरलता है, पहचानने का अंतरता है। तो सहज और सरल भाषा, पहचानने के लिए प्रभावशाली भाषा। स्लेट परिया लाल क्रिया मल्दी हो किसी ने किसी, ऐसा लग रहा है हमारा आसमान आगे बढ़ता है। एक और उपमान, श्रृंगार रस से भरा हुआ उपमान देखें आप, नील जल में, नील जल। अब उसको थोड़ा मौसम बदला, हल्के से सूर्य की किरणें आ गईं, हल्की सफेदी होने लगी, और जब हल्की हल्की सफेद क्या हुआ, नील जल में, उसे ऐसा लगा नीला जल है, क्योंकि उस समय वातावरण बड़ा शांत है। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दें, या किसी की, एक नीले समुद्र के पास चले जाइए, एक नदी के पास चले जाइए, और नदी के साथ किनारे आप खड़े हो जाइए और परछाई देखिए, उसमें आपकी परछाई दिख देगी, लेकिन सूर्य की हल्की लालिमा के साथ जब सफेदी आना शुरू हुई। कभी कहता है नील जल में ऐसा प्रतीत होता है कोई तालाब है, कोई कुंड है, जिस उस जल में क्या हुआ, किसी की गौर झिलमिल दे, किसी की गौर झिलमिल, गौर माने गोरे रंग वाली कोई नायिका है जिसकी देह झिलमिला रही हो, हिल रही हो, क्योंकि कंपन हो रहा है सुबह के समय, मौसम वातावरण परिवर्तित हो रहा है, बदल रहा है, सुंदर लग रहा है। रात्र की कालिमा से लेकर अब तक का ऐसा लगता है मानो किसी नायिका का सौंदर्य, कोई पानी भरने आई है, कोई पनिहारिन है, कोई घाट पर आई है, और वो गोरी रंग वाली नायिका की परछाई उस नील जल में पूरे वातावरण में पड़ रही है, उसे ऐसा प्रतीत हुआ, क्योंकि सूर्य की किरणें जब आसमान में पड़ती हैं, हल्की हल्की सफेदी दिखाई पड़ने लगती है, उसने उस आकाश को तो मान लिया पूरा समुद्र या पनघट या कुंड जल का, ऐसा लगा जब सूर्य की किरणें परछाई पड़ रही है। और इसी के साथ कहता है और जादू टूटता है अब, और जादू टूटता है इस उषा का अब, जो उषा काल था, जो सूर्य की लालिमा का काल था, उसका जादू जो हमें मोहित कर रखा था, जिसने पल पल बदल रहा था, पल पल स्थितियां बदल रही थी, और इसका रूप बदलता है क्योंकि सूर्योदय हो रहा है। सूर्योदय होते ही वो सुंदरता गायब हो जाती है, सूर्य की सफेद किरणें आ जाती हैं और वातावरण बदल जाता है। ये था आपके सामने आज की इस कविता उषा का वर्णन, आपको बता दिया सब कुछ, और इसी के साथ मानवीकरण भी लेते हुए हम बताएंगे यहाँ श्रृंगार रस ले सकते हैं, बाकी सब में शांत रस है, प्रकृति का मनोरम चित्रण है, मनभावन वर्णन है, और ये तमाम सारे उपमा, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास जैसे अलंकार हैं, और इनके साथ प्रकृति का जितना सुंदर वर्णन किया है इस साधारण सी कविता में, मुक्तक छंद है, खड़ी बोली है, और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। और हाँ, निबंध वाला प्रकरण जरूर देखें बहुत बहुत, और आपकी गजल मैंने करा दी है, गजल बहुत कम लोगों ने देखी है, एक बार पुनः देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आज मैं आपसे विदा लेता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।